अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। किंगडम उर्दू सीरीज़ में मूवर्स का जो हर्फ आज हम पढ़ेंगे वो है ज़ोए। जी हां, तोए के बाद क्या है ज़ोए, बिल्कुल तोए जैसा, लेकिन इसका फ़र्क आपने याद रखना है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है जिसकी वजह से ये ज़ोए है। ज़ोए से मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, ज़ोए से बहुत से अल्फाज बनते हैं, जैसे कि अक्सर लोगों का नाम भी शुरू होता है ज़िल्ले हैदर है, जैसे ज़िल्ले हुमा है, और ज़रीफ, किसी भी हंसाने वाले को हम कहते हैं ज़रीफ। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे से दो फ़िक्रे बोलती हूँ, उसके अंदर से आपने तलाश करना है कि मैंने कितनी दफ़ा ज़ोए का, ज़ोए से शुरू होने वाला लफ्ज़ बोला। ज़रीफ ज़रूफ लेकर ज़ोहराने पर आया, ज़रीफ हंसाने वाले को कहते हैं, ज़रूफ़ किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं बर्तनों को। ज़रीफ ज़रूफ लेकर ज़ोहराने पर आया, ज़ोहराना किसे कहते हैं, दोपहर के खाने को ज़ोहराना कहते हैं। उसके पीछे पीछे ज़िल भी आया, हमारा जो साया होता है उसको भी ज़िल कहते हैं। जब ज़रीफ आ रहा था तो उसके पीछे, जब सूरज सामने हो और हमारे पीछे क्या होता है, हमारा ज़िल, हमारा साया, हम ज़िल को देखते हैं। कभी ज़िल इस साइड पर हो जाता है, कभी वो इस तरफ आ जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे आ जाता है। तो ये हमारे साथ चलता है या हमारे साथ रहता है, क्या, ज़ोए से ज़िल। अभी जो मैंने आपको दो जुमले बताए हैं या जो बातें मैंने आपसे की हैं, उसमें कितनी दफ़ा ज़ोए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये आपने तलाश करना है। कितनी दफ़ा मैंने कितने अल्फाज ज़ोए से बोले, आज आपका सबक यही होगा। आपने तलाश करना है कि इसमें ज़ोए से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होगा, हम अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।